हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो आप देख सकते हो, चार बार मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ शोल्डर में 8 इंच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई ले लेंगे 6.5 इंच। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई ले लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे लंबाई भी मैं 2.5 इंच ही ले रही हूँ। आप कॉलर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर आपका कॉलर ज़्यादा ही लंबा है तो 3 इंच ले सकते हो लंबाई। अब यहाँ पे कुर्ते के सीने की चौड़ाई 36 इंच रखना है, तो इसका चौथाई भाग मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ निशान। अब इस तरीके से यहाँ से 7 इंच पर यहाँ पे निशान कमर का लगा देंगे। अब यहाँ पे कमर की चौड़ाई 34 इंच है, तो 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। और फिर यहाँ से लंबाई हम 7 इंच पे लगाएंगे हिप की लंबाई। हिप की भी चौड़ाई 36 इंच है, इसलिए मैं यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 1-1 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। तो इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे। आप देख सकते हो, निशान मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे गोलाई देने के लिए 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा के उसके बाद इस तरीके से आर्म होल्स की गोलाई दे देंगे। और यहाँ गले की गोलाई देने के लिए हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से गोलाई देते हुए निशान को लगा लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधे मिला देंगे इस तरीके से। अब कटिंग कर लेंगे इसकी हम। सबसे पहले इस तरीके से कटिंग करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। इस तरीके से कट करने के बाद बैक वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे निशान लगाएंगे हम 9 इंच पे और इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट था दोस्तों, तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे नेक की। तो यहाँ नेक की चौड़ाई इसकी भी हम 2.5 इंच ही लेंगे और यहाँ पे 1 इंच का लंबाई ले लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई मैं ले रही हूँ 22.5 इंच। आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी ले सकते हो। और यहाँ पे हम खुले की साइड में 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप मुझे।